इसका मतलब ये नहीं है जो रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, सिटीज की एक्चुअल सिचुएशंस आपको अपडेट किया जाएगा। मेरे साथ खुद ही हिडन चार्जेस हुआ था 25,000 का। मेरे काउंसलर से उनसे जब एक्चुअल पूछोगे ना, सर आपने कभी कॉलेज विजिट किया है क्या, आपको MBBS का एकेडमिक सिलेबस पता है? बट ये सब चीज़ें ना स्टडी पहले से नहीं होता, ये सब चीज़ें ना स्टडी पहले से नहीं होता। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस हब। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ व्हाई यू शुड चूज स्टडी पैलेस हब ओवर अदर कंसल्टेंसी, व्हाई स्टडी पैलेस हब इज बेटर देन अदर कंसल्टेंसी, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है एक स्टूडेंट को स्टडी पैलेस हब के थ्रू एडमिशन लेने पे, जो कि बाकी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेने पे वो एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टडी पैलेस हब की टीम। स्टडी पैलेस हब की जो टीम है, दे ऑल आर वर्किंग डॉक्टर्स। देखो मैं खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अभी मैं लास्ट ईयर दीनदयाल में था, अभी करंटली मैं वर्क करता हूँ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि रोहिणी में मंगोलपुरी के अंदर में है। और हमारी टीम में जितने भी है, जितने भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे हैदराबाद, चाहे बेंगलोर, मुंबई, नासिक, चाहे नागपुर हो या लखनऊ का हो या कानपुर से, मतलब कहने का मतलब हमारे जितने भी 24 ऑफिस है, 24 ब्रांचेस है, उसमें से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स ही हैं। तो देखो ये एडवांटेज है, उसमें एडवांटेज क्या है, जो भी डॉक्टर्स है ना उन्होंने खुद इस जर्नी को ना एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपनी खुद का एग्जांपल दूँ, मैं औरंगाबाद में एक एज ए स्टूडेंट था। तो मैं एज ए स्टूडेंट कैसे अपना एडमिशन की प्रोसेस कर रहा था, कैसे कंसल्टेंसी सर्च किया मैंने, कैसे मेरी एडमिशन की जो जर्नी रही ना वो, उसके बाद जो एडमिशन के बाद जो मेरी कॉलेज की जो एकेडमिक का एक्सपीरियंस है, 6 ईयर तक एकेडमिक कैसा रहा, पढ़ाई कैसा है, कॉलेज की जो ग्राउंड लेवल पर जो रूट पे, जो ग्राउंड रूट बोलते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअल सिचुएशन से अवगत होना, अपडेटेड रहना, वो है स्टडी पैलेस हब के हर काउंसलर के पास एडवांटेज। क्योंकि हम सब ने खुद ही एज ए स्टूडेंट, एज अ मेडिकल डॉक्टर, एज अ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स, वो एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो जैसे कि अभी किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेने के बाद कोई एकेडमिक प्रॉब्लम होती है, हु कैन गाइड दैम, एक डॉक्टर ही नहीं कर सकता है ना। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एजेंट से पूछोगे टोटल मेडिकल सब्जेक्ट में कितने, टोटल एजुकेशन में एंटायर 6 ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, या नेक्स्ट में क्या सिलेबस है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पढ़ना चाहिए, वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। क्योंकि हम सब की जर्नी अपने आप में एक अलग मोटिवेशन है, एक हम सब की एक जर्नी ना, एक अलग एग्जांपल बोल सकते हो हर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हर वो बंदा जो अब्रॉड में एडमिशन लेता है, FMG पास करता है, वो एक वॉरियर है, मतलब समझ लो एक अपने आप में इंस्पिरेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अभी ड्रीम देख रहा है एडमिशन लेने के लिए, जो सोच रहा है डॉक्टर बनने के लिए। देखो ये भी एक सच्चाई है ना, जो अब्रॉड में एडमिशन लेने की मेन रीज़न ये होती है क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट सीट्स अभी इतनी नहीं है जितनी स्टूडेंट्स होन बनना चाहते डॉक्टर, जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं नीट के अंदर में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बजट की वजह से जो प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इवन आप ये भी देख लो ना, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं दोनों को टोटल काउंट कर दो, तब पर भी इतनी सीट्स नहीं होते हैं जितने लोग नीट में अपीयर होना चाहते हैं, जितने लोग नीट में बैठते हैं। लास्ट ईयर 23 लाख है, इस ईयर में भी 25 लाख स्टूडेंट होंगे और टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट्स भी इंक्लूड कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो डिमांड है स्टूडेंट्स का और जो सप्लाई है मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में सीट्स का, वो काफी डिफरेंस है। इवन इंडिया में भी अभी भी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड वो है पैरामीटर है, पर 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट अभी वो नहीं है। वो जो स्टैंडर्ड मैच करने के लिए अभी ऑलमोस्ट 20 ईयर लग जाएंगे इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में 20,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। तो समझ लो इवन नॉर्थ में तो और भी सिचुएशन बहुत बुरा है। अगर आप सोचो तो गांव में अच्छे खासे पॉपुलेशन में डॉक्टर्स नहीं मिलते आपको। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इसलिए डॉक्टर्स बनने की जो क्रेज़ है ना हमारे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा है और आगे भी रहने वाला है। तो फर्स्ट तो देखो कॉलेज की लाइफ से लेके FMG के एग्जाम्स तक, इवन अगर कोई स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने की सोच रहा है और आपसे 6 ईयर ओल्ड डॉक्टर बन के आता भी है, तो सोचो हमारी टीम में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक अच्छे पोजीशन पे अपने अपने स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल दूँ, या डॉक्टर श्रीमती है, डॉक्टर रूपसा है, डॉक्टर आशीष पात्रा है, या डॉक्टर अनमोल चंद्रा है, कोई भी,
ये अलग अलग ब्रांचेस में जो हमारे जो ब्रांच हेड है वो सब एक अलग पोजीशन पे, एक लीडिंग पोजीशन पे होंगे अपने अपने स्टेट्स में एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, तो वो भी एक एडवांटेज है। साथ में एक और चीज बताऊं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए जो वेकेशंस में इंडिया आते हैं उनके लिए हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए, एक इंटर्नशिप करने के लिए हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं, जहाँ पे हम लोग खुद काम करते हैं वहाँ पे सेटल करते हैं, या वहाँ पे नहीं पॉसिबल होता तो बाकी हॉस्पिटल से हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हमारे मेरे सीनियर्स या मेरे कलीग या साथ वाले डॉक्टर्स काम करते हैं उसके थ्रू फिर टाई अप करते हैं हॉस्पिटल के साथ ऑफिशियली, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को वेकेशंस में 1 month 15 days का क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सके, चाहे वो गायनेक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, या इमरजेंसी का एक्सपोजर मिले। देखो क्योंकि ये सब चीज़ें ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप MBBS करने के बाद जो FMG एग्जाम को जो रिप्लेस करके जो NMC ने नेक्स्ट लाया है ना, नेक्स्ट में क्लिनिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 days भी हॉस्पिटल ड्यूटी करते हो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें जो मेडिसिन यूज किया जा रहा है, उसमें जो आपको स्किल्स जो सीखने को मिलेगा ना, फॉलिश डालना हो, इंजेक्शन लगाना हो, ये सब चीजें क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर कलर, ये सारे MCA के क्वेश्चन है, FMG या नेक्स्ट की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो ना तो बहुत एडवांटेज होता है। इसका मतलब ये नहीं है जो रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, है नो डाउट अच्छा खासा है, बट अपने पेशेंट के साथ में अपने ही सिटी में, अपने ही कंट्री में, अपने ही होम टाउन में प्रैक्टिस करना एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग ही मोटिवेशन है, क्योंकि आपके लिए ना होता है कि अपने होम से खुद के नेटिव लैंग्वेज में आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो आपको एक अलग ही फील देता है, एक अलग एक्सपीरियंस देता है, वो बाकी लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो एक तो एकेडमिक में सपोर्ट होगा, मतलब एक एक जो हमारे एक्सपीरियंस से आप कुछ लर्न ही कर पाओगे। तीसरी बात क्या एडवांटेज होगा, जो ये एडवांटेज होगा कॉलेज की सिचुएशंस की, यूनिवर्सिटीज की एक्चुअल सिचुएशंस आपको अपडेट किया जाएगा, एक्चुअल बातें बताई जाएगी। ऐसे नहीं है बहुत सारे एजेंट जो होता है ना, वो हकीकत बताओ उन्होंने ग्राउंड पे कभी कॉलेज नहीं देखा है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी विजिट नहीं किया है, बट वहां से आपको डॉक्टर बनने का सपना दिखाते हैं। कैसे, उन्होंने आज तक बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी है, बड़े बड़े एजेंट है उनके यहाँ पे काम करने वाले, बड़े बड़े काउंसलर्स है, एजेंट तो नहीं बोल सकते, बड़े बड़े काउंसलर्स है, उनसे जब एक्चुअली पूछोगे ना सर आपने कभी कॉलेज विजिट किया है क्या, आपको MBBS का एकेडमिक सिलेबस पता है क्या, कैसे गाइड करोगे आप, तो वो आपको उस पॉइंट से डाइवर्ट करके कहीं और लेके चले जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ना वो आप एक वेल FMG पास आउट डॉक्टर्स से जब काउंसलिंग करवाते हो ना तो ये आपके लिए एडवांटेज है, प्रिविलेज है, क्योंकि बहुत सारे चीज इसमें भी बहुत सारे लूप होल है, बहुत सारे जो अपने आप को क्लेम करते हैं डॉक्टर्स काउंसलर वो प्लीज उससे भी आप थोड़ा सा, मैं मल्टीपल वीडियोज में आपको यही बता रहा हूँ, इससे भी थोड़ा सा अपडेटेड रहिए आप, और क्या एडवांटेज मिल सकता है। देखो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग एडमिशन, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर, 6 ईयर जो एकेडमिक था उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट कंसल्टेंसी चार्जेस, हिडन चार्जेस, क्योंकि देखो मेरे साथ खुद ही हिडन चार्जेस हुआ था 25,000 का, तो मेरा लास्ट मोमेंट पर बजट बैलेंस बिगड़ गया था, क्योंकि हम प्लान करके कुछ और गए थे, लास्ट मोमेंट पता चलता है। देखो एक ऑर्डिनरी बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना इंस्टेंट 25,000 अरेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जब उनके घर में ऑलरेडी 5 लाख खर्चा हो रहा हो, तो हमें उस टाइम पे बोरो करना पड़ा था किसी और से। बट ये सब चीज़ें ना स्टडी पहले सब नहीं होता, अगर आपका जो बजट बताया गया वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो भी XYZ अमाउंट बताया गया, जो आपका जो कंसल्टेंसी चार्ज होगा, कॉलेज फी होगा, हॉस्टल फी होगा, या बाकी जो चार्जेस होंगे, जो फ्लाइट की टिकट होगी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ भी हिडन नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस पेन को ना हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना वो चीज़ें हम नहीं चाहते अपने जूनियर्स को या अपने आने वाले जो स्टूडेंट्स को उनको डिलीवर कर सके। सेकेंड जो एडवांटेज है वो होता है सर्विस डिलीवर करना। देखो बहुत सारी कंसल्टेंसी का काम क्या होता है, एडमिशन करवा दिया, एडमिशन करवाने के बाद डजेंट मैटर स्टूडेंट कैसे रह रहा है, किस सिचुएशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉल रिसीव तक नहीं करता, इवन कोई प्रॉब्लम्स हो जाए ना तो स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट जूनियर्स को हेल्प करता है, जूनियर सीनियर को हेल्प करता है, हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। लेकिन स्टडी फॉर साहब एक डिफरेंट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, देखो जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। रशिया में ना जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ना, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया अभी भी शायद इंडिया में हमारे मतलब मेरे घर में एटलीस्ट टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं होता है, हम लोग जेट यूज़ करते हैं या वाटर यूज़ करते हैं,
टॉयलेट के अंदर में, बट ये एक प्रॉब्लम था क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रशिया में जाओ और आपको पता चलता है आप टॉयलेट में पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। ड्राई टॉयलेट होता है, वो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, चलो तो ठीक है उनका कल्चर है, और पूरा यूरोपियन कंट्री में ही ऐसा होता है, और उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन भी है क्योंकि ये लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, विंटर में बहुत यहाँ की जो वेदर है अलग है, तो इसके हिसाब से हमारे इंडिया में तो पानी कोई कमी नहीं है और वेदर भी ऐसा ही नहीं है, तो हमारे जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। तो बेसिक कहने का मतलब ये है जो ये प्रॉब्लम्स था, फिर हम लोगों ने फिर बॉटल लेके इंडिया में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और ये रशिया के हर यूनिवर्सिटी में कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है ना ऐसा नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। आपको अगर जानना है ना स्टूडेंट से पूछो, स्टूडेंट आपको एक्चुअल सिचुएशन से आपको बताया अपडेट करेंगे। बट ये प्रॉब्लम एक भले ही आप देखा जाए तो इतनी मेजर इश्यूज नहीं है, और किसी किसी के लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं, स्पेसिफिकली मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए तो वो नमाज पढ़ना पास टाइम का, उनके लिए ये हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसके लिए जैसे औरंगबाग में जेट लगवाया है, सेम समारा में भी हम लगा रहे हैं, तो ये जेट एक छोटी चीज़ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट एक होता है ना, अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी देख सकते कर सकते हो ना जब आप प्रॉब्लम को खुद एक्सपीरियंस करते हो। अगर एक मान लो फॉर एग्जाम्पल एक किस फार्मर है, फार्मर की क्या प्रॉब्लम है, एक किसान की क्या दिक्कत है वो फार्मर ही समझ सकता है, दिल्ली में बैठे हुए इसी कैबिन में एक ब्यूरोक्रेट नहीं समझ सकता है, लेकिन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, वो ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल कौन फेस कर रहा है, फार्मर। तो यही होता है, दिल्ली के बड़े बड़े कंसल्टेंसी के ऑफिस में बैठे हुए जो काउंसलर है ना आपके फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता, और उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्रास रूट पे क्या प्रॉब्लम्स है उनको नहीं पता, स्टूडेंट क्या फेस कर रहा है जाने के बाद, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो रूम चेंज करने के लिए होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कोई बंदा लैंग्वेज नहीं पता उसको मेडिकल हेल्थ में क्या इश्यूज होगा, कोई स्पोर्ट्स में कुछ करना चाह रहा है, कोई कल्चर में कुछ करना चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें वही लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन्होंने खुद ही एक्सपीरियंस किया एज ए स्टूडेंट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर में। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही आपको इन चीज़ों में गाइड कर सकते हैं। तीसरी बात है, देखो रशिया में जितने भी स्टडी पैलेस के जो काउंसलर्स हैं, जितने भी काउंसलर्स चाहे रशिया से उन्होंने ग्रेजुएशन करी हो या यूक्रेन से करी हो या किसी अदर कंट्री से, एक्सपीरियंस होने से, देखो मैं खुद 6 साल रहा हूँ रशिया के अंदर में, तो मुझे आई कैन कंपेयर विथ अदर यूनिवर्सिटी औरंगबाग कैसा है, मैं औरंगबाग या दूसरी यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल सिचुएशन है ना वो आपको मैं कंपैरिजन बता सकता हूँ, समारा के डिफरेंसेस बता सकता हूँ मैं आपको, बाकी यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में कजान कैसा है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या एडवांटेज है, तो वो चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अभी बाकी जो कंसल्टेंसी का जो है ना, आप उनसे एक बात पूछोगे ना जो आपके हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप वो सिर्फ एक ही जानते हैं, उनके पास एक स्क्रिप्ट है जो एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं, और एक्स वाई जेड वाली यूनिवर्सिटी में क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, एटलीस्ट वो उनको इतना नहीं पता होता है, बस एडवांटेज उनको रटाया गया है, वो स्क्रिप्ट आपके सामने बोल देना होता है उनको, लेकिन उनके क्या डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता या कुछ भी ऐसा नहीं होता जो 100% परफेक्ट होता है, इवन कोई भी इंसान भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, तो उसमें अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, तो ये चीज़ें एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। देखो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के देखो बहुत सारी क्राइटेरिया होता है, मैं कई बार भी बता चुका आपको, आपका अपना जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने का खुद का क्राइटेरिया होना चाहिए, ये नहीं जो मेरे फ्रेंड ने ये यूनिवर्सिटी डिसाइड किया तो मेरे लिए भी वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है, नहीं, आपके फ्रेंड्स का जो नीड है, डिमांड है, जो मेंटेलिटी है वो अलग है और आपका अलग है, तो आप अपने हिसाब से देखो आपका बजट कैसा है, आपको इंडियन मेस चाहिए या नहीं चाहिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, हॉस्टल सर्विस इम्पोर्टेंट है या नहीं है, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रैंकिंग, बहुत सारे फैक्टर्स है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैरामीटर पे ही आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए एक वेल एक्सपीरियंस काउंसलर, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो आपको गाइड कर रहा है ना, ये आपके लिए एडवांटेज है। ठीक है, आपके पेरेंट्स को जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, वो एक डॉक्टर ही बता सकता है, जो जो हमारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलर हैं, जो मेल डॉक्टर्स हैं, वो आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है इस चीज़ में, आपके एक अच्छे कॉलेज सिलेक्शन में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में आपको ये सपोर्ट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस एक्चुअली ना इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई है, तो मैं एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, और मैं चाहता हूँ जो आप लोग भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर सकूँ, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा, और
मैं चाहूंगा जो आपके जितनी भी डाउट्स है ना वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।